गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईवीएस क्लास ऑफ फन एंड लर्न स्कूल। स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ, स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ, सीड एंड सीड। ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 42। दिस इज पार्ट वन। ये हमारा सीड एंड सीड स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर भी फिफ्थ है। ये हमारा वीडियो का पार्ट वन है। ओके, हमारा पार्ट फोर तक हो गया था, आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा। तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर सीड एंड सीड में क्या बताया जा रहा है। ओके, तभी ध्यान से आप लोग सुनिएगा मैं क्या पढ़ती हूँ, फिर इसका मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको अपनी बुक साथ में ओपन रखनी है और पेंसिल साथ में रखनी है। जो वर्ड आपको टफ लगती है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। पूरे बुक्स में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक में जो भी वर्ड टफ लगेगी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर उसको अपने नोटबुक में आज की डेट देख के आपको लिखनी है और डिक्शनरी से उसकी वर्ड मीनिंग ढूंढ कर याद करनी है। ओके, तभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे क्या है। सो गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मॉसिस फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल, बिफोर यू स्लीप Remember to soak two small bowls of chana gram. She was going to his bua's house and would return only in the morning. तो यहाँ पर गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियाँ बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल रात में दो कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पे है, एज ही वाज सॉकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्संस। सो ही सॉक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना व्हेन हिज मदर रिटर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। सी सॉ दैट द चना वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द विसिल। हाउ मच डिड यू सॉक, asked his mother, how did that happen? यहाँ पर है, गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस दो कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे, इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए, देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए। आप देख रहे ना यहाँ पे चने कैसे बाहर आ गए हैं, क्योंकि वो क्या बर्तन छोटे थे और चने ज़्यादा हो गए, तो जब वो पानी फूले तो क्या हुए, बड़े बड़े हो गए, इसलिए वो क्या होते हैं, बॉल से नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये इस पैराग्राफ में क्या है। यहाँ पर देखिए, यू सॉक टू मच एनी वे इट इज़ ए गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। आई कैन सेंड दिस टू योर आंटी, द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड। सी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन ए वेट क्लॉथ एंड हंग्स देन अप टू स्प्राउट। यहाँ पे है, गोपाल अब सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ, माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने सारे चने भिगो दिए, अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूँगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाने के लिए सलाह दी है,
माँ ने अंकुरित करने के लिए भिगोए हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। तो आपने यहाँ देखा जो एक्स्ट्रा चना था उसकी माँ ने उसको क्या किया, एक गीले कपड़े में उसको बांध कर रख दी। जब उसको बांध के रख देगी तो उसमें से क्या होंगे, अंकुरित निकलेंगे। ओके, तो वो बहुत फायदा करता है, वे आप लोग को भी डेली खाने चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट डिस्कस में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग योर हाउस व्हाई, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों। आपके घर में, आपके किचन में आप अपनी मम्मा से पूछो कि वो क्या क्या चीज़ को रात को भिगोती है उसको सुबह में बनाने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउट, हाउ मच टाइम डज इट टेक, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती है, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है, वो सब आपको बताना है। आपको कौन कौन सी चीज़ को पहले आप पानी में भिगोते हो, किस में अंकुरित करते हैं हम, और कौन कौन सी चीज़ को हम खाते हैं, और उसमें टाइम कितना लगता है, वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवरी टॉल्ड यू टू ईट स्प्राउट व्हाई, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, अगर सलाह दी भी है तो क्यों दी है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हो और आपको किसी डॉक्टर ने कहा हो कि अंकुरित खाना खाना है, तो डॉक्टर ने आपको वो सलाह क्यों दी है, ये आपको बताना है। ओके, पेज नंबर 42 में इतना ही था, अभी नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 43। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, डू दिस एंड फाइंड आउट, आपको करके देखना है। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी वी सिट्स, नाउ ट्राई अनदर वन। तो आपने स्टैंडर्ड 4th में तो शायद एनसीईआरटी की ईवीएस नहीं पढ़ी थी, पर बुक के अकॉर्डिंग आप सुनिए क्या है यहाँ पर। याद है क्लास 4th में जरों का जाल पार्ट में आपने बीजों के प्रयोग किए थे, तो आइए एक और प्रयोग करके आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, आपको चने और 3 कटोरियाँ लेना है। पहले कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। आपको यहाँ पे जैसे जैसे बताया जा रहा आपको ऐसे एक्टिविटी करना है। आपने 4th में नहीं किया तो अभी आप फिर से कर लेना। फर्स्ट में आपको क्या करना है, चने और 3 कटोरियाँ आपको लेना है। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने डालो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, पुट अ डैम पीच ऑफ द क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल, नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट्स, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेंबर्स वेट। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भिगोए हुई रुई या कपड़े में रख दो, ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो, ठीक है। 3 कटोरियों को ढक दो। अब तीनों कटोरियों को क्या करना है, आपको ढक देना है। अब यहाँ पे है, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द 3rd बाउल, डू नॉट पुट एनी थिंग्स एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बॉल्स। अब यहाँ पर 3 कटोरियों को ढक दो, 2 दिन के बाद देखो और लिखो कि 3 कटोरियों के चने में क्या बदलाव आपने देखा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना अंकुर क्या हो, चना कैसा दिखता है, यहाँ पे देखिए उसमें ये अंकुर ऐसे निकल जाते हैं, शायद आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, ये आपने जो एक्टिविटी की उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। फर्स्ट में आर द सीड्स गेटिंग एयर, फर्स्ट बॉल में है नो, बॉल 2 में है यस, 3 में है यस, मतलब
क्या बीजों को हवा मिल रही थी? जो आपने कटोरी में चना रखा, आपने उसको ढक के रखा, तो उसको हवा मिल रही थी, तो क्या होगा? नो। कटोरी टू में क्या हो रही थी? हाँ। और थर्ड वाले में भी हाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या बीजों को पानी मिल रही थी? उसको पानी मिल रही थी कि नहीं, आप अपने बॉल में डालकर नोटिस करना, फिर यहाँ पे लिखना। फिर है, व्हाट चेंज डिड यू सी? बीजों में क्या बदलाव आया? आप जो चने थे उसमें क्या चेंजिंग आया वो आपको बताना है। ओके, बॉल वन में क्या आया, टू में क्या आया, थ्री में क्या आया, तीनों में आपको बतानी है। फिर लास्ट वाला है, हैव द सीड स्प्राउट? क्या बीजों में अंकुर हुआ? जो आपने बीज रखा था उसमें अंकुर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं, टेल एंड राइट। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? किसी कटोरी के बीजों में अंकुर हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? तो गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे, ये आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट एंड करेंगे, अभी सेकंड पार्ट में आगे आगे पेज में जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करनी है। अपने घर पे भी दो बॉल लेना है आपको, एक में आप चने डाल देना और एक में आप वो ग्रीन कलर की जो मूंग आती है वो डाल दीजिएगा, और दोनों में पानी डाल दीजिएगा। फिर वो जब नेक्स्ट डे फुल जाता है वो, तो फिर उसको निकाल कर धोकर गीले कपड़े में बांध दीजिएगा। ओके, फिर आप देखिएगा उसमें क्या होता है। आप ऐसे घर पे, अभी घर पे हो ना आप छुट्टी में, तो आप इस तरह से आप ट्राई करिएगा। ओके, तब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट टू में। थैंक यू।